बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ्स ग्रेड 6। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 8.3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो, हम उसको कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के दो मेथड हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पढ़ेंगे कि हम ऐड करें कैसे करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, इसी में हम सीख लेंगे। ठीक है, कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हॉरिजॉन्टली। इसको हमने हॉरिजॉन्टली ऐड करना है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर ए है, ए बी कॉमा ए बी। तो आप इनको कैसे ऐड करना है, तो आप इसमें लाइक टर्म्स देखेंगे। जो लाइक टर्म्स होंगी उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और अनलाइक टर्म्स को हम आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर ए का सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, इसको जब हम हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे तो इसको हमने इसी तरह लिखना है, ए बी ऐड करना है, ए बी। ठीक है, इसी तरह हम इसको जस्ट हमने इसमें एडिशन का सिंबल डाल के इसको ऐड करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये लाइक टर्म्स हैं, ए बी इसमें वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, इसमें भी ए बी, ये दो टर्म्स हैं, दोनों में वेरिएबल सेम है और एक्सपोनेंट 1111 वो भी सेम है। तो अब लाइक टर्म्स हैं तो लाइक टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड कर सकते हैं। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो हमने जस्ट इनके कोफिशेंट्स को ऐड करना है। इसमें कोई कोफिशेंट नहीं है 1, और इसमें भी कोई नहीं है 1 डालें आप। ठीक है, और ये जो वेरिएबल होते हैं रिमेन द सेम, ये सेम ही रहते हैं। जैसे आप कोफिशेंट को ऐड करेंगे 1, और 1 को ऐड करेंगे 2, और ये ए बी और ए बी को ऐड करेंगे, सॉरी कोफिशेंट को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 + 1 = 2, और ये जो वेरिएबल है ए बी और ए बी, ये सेम रहेंगे ए बी। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये कौन सा मेथड है, हॉरिजॉन्टली आपने इसी तरह सिंबल्स डाल के इसको ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई करते हैं, जिसमें आपके पास है 6x। ये क्वेश्चन नंबर आई लिखा हुआ है, जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे आप देख सकते हैं, एक ये है एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और एक हमारे पास ये है। ठीक है, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनको कैसे ऐड करेंगे। फर्स्ट वाला लिख लेते हैं 6x + 3y - 4z। इनको ऐड करना है तो कॉमा की जगह हम इसमें ऐड का सिंबल डाल देते हैं, 6x + 8y + 9z। अब आपने इसमें लाइक टर्म्स को देखना है। ठीक है, एडिशन का सिंबल डाल दिया, इसको ऐड करना है हॉरिजॉन्टली वे में। अब कैसे ऐड करना है, इसके इसकी टर्म्स को देखना है, लाइक टर्म्स को। ये एक्स और ये एक्स लाइक है, क्योंकि इसमें भी एक्स और एक्स वेरिएबल है और एक्सपोनेंट 1 सेम है। तो आप इनको इकट्ठा लिख लें लाइक टर्म्स को। फिर ये 3y और ये 8y, ये भी दोनों लाइक हैं, वाई और वाई वेरिएबल सेम है। फिर ये -4z + 9z, साइन वही रहते हैं, जिसके साथ प्लस साइन है प्लस रहेगा, जिसके साथ माइनस है माइनस ही रहेगा। अब आप देख सकते हैं इनके कोफिशेंट्स को ऐड करना है, जस्ट वेरिएबल सेम ही रहते हैं। एक्स 6 में 6 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 12, और ये प्लस 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 8 में 3 ऐड करेंगे तो 8, 9, 10, 11। और जब आप ऐड करते हैं तो साइन हमने बड़ी वैल्यू का डालना होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये प्लस माइनस, ये जी और जी वेरिएबल सेम है, ये प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और साइन कौन सा आएगा इसके साथ, 9 बड़ा है 4 छोटा है, तो बड़ी वैल्यू वाला साइन देखेंगे, इसके साथ प्लस है तो हम इधर प्लस मेंशन करेंगे। ये आपका आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जे वाला सॉल्व करते हैं। इसमें आपके पास है 7x² + 8y। क्वेश्चन नंबर जे है आपके पास 7x² + 8y - 7 - 2x² - 6 + 4x². इनको भी हमने हॉरिजॉन्टली ऐड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं आप, कितनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कितने हैं 1, 2, 3। तो आप इसको हॉरिजॉन्टली वे में लिख लें, 7x² + 8y, कॉमा की जगह हम प्लस साइन डाल देते हैं क्योंकि हमने इसको ऐड करना है, इसलिए हम प्लस साइन डालते हैं, ये आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना होता है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा। तो आप देख सकते हैं ये x की पावर 2, ये दोनों लाइक हैं, और ये x की पावर 2, ये 3, इन तीनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हमने 8y, ये हमारे पास आप देख सकते हैं इसके साथ 8y के साथ कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसलिए 8y को हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब ये 7 और ये 6, ये दोनों कांस्टेंट को हमने इकट्ठा लिख लिया। ठीक है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं।
अब आप देख सकते हैं 7 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। बाकी आप एज इट इज़ लिख लें, और ये प्लस 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 7 में 6 प्लस करेंगे और साइन कौन सा डालना है, बड़ी वैल्यू वाला, ये 13 आ जाएगा। ठीक है, अब आप 5 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब दोनों प्लस हैं, साइन भी पॉजिटिव है, तो 9 एक्स के प्लस कर दें, प्लस 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 ही होते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ भी प्लस साइन है, प्लस 8 y एज इट इज़ और प्लस 13 एज इट इज़, ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ऐड ही करना है, बट ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वर्टिकली, कौन सा मेथड अप्लाई करना है, इसको वर्टिकली ऐड करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए में आप देख सकते हैं, जब हम इसको वर्टिकली ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है कॉमा, दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, तो फर्स्ट वाले को ऊपर लिखें और सेकंड वाले को नीचे लिखना है। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखना होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 5x है प्लस y, और ये क्या है x माइनस 9y, तो x वेरिएबल है, ये x और x लाइक है, इसलिए मैंने x को x के नीचे लिखा माइनस 9y, और ये y और y लाइक हैं क्योंकि इनके वेरिएबल और एक्सपोनेंट सेम है। ठीक है, कोफिशेंट जो मर्जी हो, तो आप इधर इसका कोई कोफिशेंट ये 1 डाल लें, इधर भी 1 डाल लें, जो आपको मेथड ईजी लगता है आप देख सकते हैं, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, ये कौन सा मेथड है, वर्टिकली। तो इसके साथ कोई सिंबल ना हो आप प्लस डाल सकते हैं, और जिसके साथ कोई कोफिशेंट ना हो आप 1 डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्लस 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 5 में 1 प्लस करेंगे 6x, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन, और ये प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन, 9 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ये आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर एफ का सलूशन करते हैं, इसमें भी स्टूडेंट लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे, फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं और सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा। ठीक है, ये लाइक है, और ये प्लस 3 को और प्लस 5 को ऊपर नीचे लिखा, कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट के नीचे लिखना होता है, इसके साथ कोई कोफिशेंट नहीं है 1, और कोई साइन या प्लस प्लस माइनस माइनस 3 - 1 करेंगे 2, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन। ठीक है, इसी तरह प्लस 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 बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई क्वेश्चन नंबर आई में आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आई है आपके पास। ठीक है, 1, 2, 3, ये 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इनको हमने क्या करना है, ऐड वर्टिकली। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये 1, 2, 3 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनको हमने ऐड करना है वर्टिकली। तो पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं 6a + 8b - 7c, फिर इसी तरह ये नेक्स्ट क्या है 2b, नेक्स्ट वाला, अब लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना है, 2b को b के नीचे लिखा प्लस c प्लस साइन c, साइन वही डालने हैं, माइनस फोर ए, 2b के साथ आप देख सकते हैं कोई साइन हो तो हम पॉजिटिव डालते हैं। थर्ड टर्म में हमारे पास है a पॉजिटिव, कोई कोफिशन ये 1 डाल दें, -3b - 2c। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आप देख सकते हैं जिसके साथ कोई साइन ना हो हम प्लस डालते हैं, कोई कोफिशेंट ना हो 1। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, जो आंसर आएगा इसको हमने थर्ड एक्सप्रेशन के साथ सॉल्व करना है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन। अब हमने इन दोनों को करना है प्लस प्लस प्लस, आप पेंसिल के साथ ये लिख लीजिएगा और फिर रेज कर दीजिएगा, प्लस 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 बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन, 2 में 1 है प्लस करेंगे तो 3a आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस 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 बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन, तो 8 में 2 प्लस करेंगे 8, 9, 10b, फिर आप देख सकते हैं नीचे क्या लिखा हुआ -3b, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन, इसको माइनस करेंगे 7b आ जाएगा, प्लस 7b। इसी तरह ये माइनस प्लस माइनस, 7 में से 1 जाएंगे 6c बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन, और ये -2c करेंगे, ये रफ में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका रफ वर्क, माइनस माइनस प्लस, 6 में 2 प्लस करेंगे 6, 7, 8c और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, तो यहाँ पे -8c आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी आपने जो पढ़ा है वो आपने पढ़ा है ऐड का, ठीक है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसे ऐड करते हैं लाइक टर्म्स को।
अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग अल्जेब्रिक टर्म्स हॉरिजॉन्टली। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर ए में लिखा हुआ है माइनस ए बी फ्रॉम 3ab, तो आप देख सकते हैं फ्रॉम आया हुआ है, ठीक है। फ्रॉम के जो बाद वाली वैल्यू होती है वो हमने हमेशा पहले लिखनी होती है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब आप देख सकते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट ए बी फ्रॉम 3ab। तो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ फ्रॉम के जो बाद वाली वैल्यू होती है वो हमने हमेशा पहले लिखनी होती है 3ab। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सा साइन रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस का, ठीक है। और आगे आपके पास क्या है? ab। बेशक आप इसको सेकंड, ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप ब्रैकेट में लिख लें। ये 3ab एज इट इज़ माइनस ab एज इट इज़, इसके साथ कोई कोफिशेंट या 1 डालें। अब आप देख लें ये ab लाइक टर्म्स हैं, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 3 - 1 करेंगे क्या आ जाएगा? 2ab। ये क्वेश्चन में इसके साथ माइनस साइन था, ठीक है, माइनस ab, तो हम इधर इसको माइनस बी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस के हो जाएंगे प्लस, तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर एच है हमारे पास, इसको भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम दिस। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू हमने पहले लिखनी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये क्वेश्चन नंबर एच है, ठीक है। इसको आपने वो क्वेश्चन आपका जो था गलत था, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर एच, ये इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है -10x² + 3x - 2 फ्रॉम दिस। तो फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो हमने पहले लिखनी होती है x² - 5x + 9। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट किसके साथ? इसके साथ, तो इसको हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब हम इसको ये फ्रॉम के बाद वाली पहले लिखी, सब्ट्रैक्ट करना है इस फर्स्ट एक्सप्रेशन के साथ, तो इधर फर्स्ट वाला लिखा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं x² - 5x + 9। तो जब हम ऐड करते थे स्टूडेंट तो उसमें साइन चेंज नहीं होते थे, बट जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हम ये वाली जो हमारी वैल्यू थी इसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 10x², ये देखें माइनस प्लस माइनस 3x, ये माइनस को इन साइंस के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फिर ये माइनस माइनस प्लस 2। तो आप देख सकते हैं ये प्लस साइन माइनस में चेंज हुआ, माइनस प्लस में। जब भी आपके पास ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होगा तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये साइन आपने मस्ट सब्ट्रैक्शन में चेंज करने हैं। इसमें आप लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें, x² और ये प्लस 10x², ओके। नेक्स्ट आपके पास है -5x और -3x और कॉन्स्टेंट है +9 और +2। यह आ जाएगा 10 और ये कोफिशेंट ऐड करेंगे 11x² माइनस माइनस प्लस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8x और ये 9 में 2 ऐड करेंगे 9, 10, 11। ये आपके पास आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वर्टिकली। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वर्टिकली, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ए क्या लिखा हुआ है, 4a +5b -3c फ्रॉम 6a -3b +c। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसको वर्टिकली हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम के जो बाद वाली वैल्यू है वो हमने ऊपर लिखनी है, पहले लिखनी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब आप देख सकते हैं फ्रॉम के बाद वाली ये वाली वैल्यू हमने ऊपर लिखनी है, वर्टिकली करना, इसको ऊपर नीचे रख के लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना और कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे। ये है 4a, ठीक है, ये फर्स्ट वाली +5b -3c। अब हमने इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन में इसके लाजमी साइन चेंज करने, इसके साथ कोई साइन है प्लस, इसके साथ प्लस, तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करेंगे हमने इस वाली वैल्यू को देखना। तो ये प्लस है, इसको हमने चेंज करना है माइनस के साथ। अब हमने ये प्लस साइन नहीं लेना, नया साइन जो हमारे पास आया माइनस, इसको हमने देखना है ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। और ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 2a, और बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है? प्लस। इसी तरह नेक्स्ट जब करेंगे इस साइन को इग्नोर करेंगे, ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 5 में 3 प्लस करेंगे 8b, और बड़ी वैल्यू 5 के साथ कौन सा साइन है? माइनस। इसी तरह इस माइनस को इग्नोर करेंगे, प्लस प्लस प्लस,
3 और 1 प्लस करेंगे 4 सी और बड़ी वैल्यू के साथ, कौन सा साइन है 3 के साथ, ये प्लस, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2a - 8b + 4c। ठीक है, ये वर्टिकली मेथड है और इसमें साइन सब्ट्रैक्ट में लाजमी चेंज करनी होती है और एडिशन में हम साइन चेंज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जे। क्वेश्चन नंबर जे आपके पास है 7a² + 5b² - c² - 3ab(c)(4a²-b²+6c²-7ab)c। क्वेश्चन नंबर जे मैंने लिख लिया है, आपके पास एक एक्सप्रेशन ये है और एक ये है, तो फ्रॉम के जो बाद वाली वैल्यू होती है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हमने ऊपर लिखना होता है। ये आपके पास 4a²-b²+6c²-7abc और फ्रॉम के जो पहले वाली होती है उसको हम सेकंड पे 7a² लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना है, -5b²-c²-3abc। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमने साइन लाजमी चेंज करने हैं, तो इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, माइनस प्लस सिर्फ नीचे वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनके साइन चेंज करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज़ के साइन नहीं देखते, प्लस माइनस में हो जाते हैं और माइनस प्लस में, तो अब न्यू साइन लेना है ये प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3a² जस्ट कोफिशेंट को सब्ट्रैक्ट करना है और वेरिएबल सेम आएगा, बड़ी वैल्यू 7 के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो इधर माइनस आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 निकालेंगे 4b² और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन, ये आपके साथ 5 के साथ पॉजिटिव साइन था, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने नेगेटिव डाल दी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव किस में चेंज होगा नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 5 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, ओके 6b² और बड़ी वैल्यू के साथ 5 के साथ कौन सा साइन होगा माइनस, तो इसकी जगह हम माइनस साइन डालेंगे। ओके नेक्स्ट हमारे पास है, इसके साथ कोई कोफिशेंट नहीं, 1 डालें, प्लस 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 6 और 1 प्लस करेंगे 7 हो जाएगा, सी स्क्वायर बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, इसी तरह ये माइनस प्लस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, 7 में से 3 निकालेंगे 4, वेरिएबल सेम इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर जे का आंसर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने स्टूडेंट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो आप देख सकते हैं सेम वैसे ही आप इसमें जो मर्जी मेथड लगाएं, वर्टिकली भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली भी, तो आप फ्रॉम के बाद वाली को ऊपर लिख लें, फ्रॉम के बाद वाली को नीचे, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना है, साइन चेंज करने और इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस, ठीक है, कह रही है इसमें क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट की जाए, कौन सा एक्सप्रेशन कि हमारे पास ये बने, तो आप इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे, ठीक है, वर्टिकली में ऊपर नीचे रख के आप माइनस कर लें, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो पहले आपने इस दोनों का सम निकालना है और इसको आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, चाहो इनका सम आएगा, ठीक है, फ्रॉम के बाद आप देख सकते हैं इन दोनों का जो सम आंसर आएगा वो आपने ऊपर लिखना है और इसको नीचे लिखना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक्स वाई जी गिवन है, तो आपने ये निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर जी हम कर लेते हैं इसका, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जी है -x - y + z और ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की ये है, जी की ये है, इनमें ये वैल्यूज़ पुट करके इनको सॉल्व करना है, तो आप देख सकते हैं माइनस हमने एज इट इज़ लिखना है और एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये a - b + c, ठीक है, माइनस ये वाला साइन आपने एज इट इज़ लिखना है, वाई की जगह वाई की वैल्यू a + b + c और फिर आपने प्लस साइन एज इट इज़ डालना है, ठीक है, नेक्स्ट और जी की जगह जी की वैल्यू a - b - c, तो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो तो अंदर सारे साइन हमने चेंज करने हैं, ये क्या आ जाएगा माइनस a, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस b, ये माइनस प्लस माइनस c और ये माइनस a माइनस प्लस माइनस बी माइनस प्लस माइनस सी, बट अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर साइन चेंज नहीं होते, ये एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा ये प्लस
प्लस में साइन चेंज नहीं करते, एज इट इज़ आ जाती है। अब इसमें आपने लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखना है, माइनस कोई कोफिशेंट इन सब के साथ वन वन डाल दें, माइनस ए प्लस ए, ठीक है। इसी तरह प्लस बी माइनस बी माइनस बी, माइनस सी माइनस सी माइनस सी। अब इनको सॉल्व करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, वन माइनस वन करेंगे ज़ीरो, ये कैंसिल कर दें या जगह माइनस है। इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस, वन माइनस वन करेंगे ज़ीरो, माइनस बी, ठीक है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये माइनस सी और माइनस सी, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, वन और वन टू सी माइनस सी, साइन सेम है तो माइनस सी रिप्रेजेंट करना है। माइनस ए माइनस बी, ये माइनस माइनस प्लस, कोफिशेंट को प्लस कर दें बड़ी वैल्यू के साथ, माइनस साइन और ये माइनस थ्री सी, ठीक है। ये आपका आंसर है, बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपके होमवर्क में है। ओके स्टूडेंट, फी मान अल्लाह।